वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे और चौथे पद का भावार्थ पढ़ेंगे। परशुराम की क्रोध भरी वाणी को सुनकर लक्ष्मण हंसकर मीठी वाणी में बोले, बिहसी लखनु बोले मृदुवाणी, अहो मुनिसु महाभट मानी। हे मुनिवर, मैंने आपको महान योद्धा मान लिया है। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आप बार बार मुझे अपना ये फरसा दिखा रहे हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप तो अपनी फूक से पहाड़ भी उड़ा सकते हैं। यहाँ कुम्बड़ बतिया को उनाई, यहाँ कुम्बड़ बतिया अर्थात कुम्बड़े का कमज़ोर पौधा कोई भी नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाए, जो आपकी अंगूठे के पास वाली उंगली अर्थात तर्जनी देखकर डर जाएगा या मर जाएगा। देखी कुठारू सरासर बाना, मैंने आपका ये कुठार फरसा और बाण सज्जित देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना। जो भी आपसे अभिमान पूर्वक आपका बाण और कुठारा देखकर कहा था। भृगुत सुत समझी जनेऊ बिलोकी, मैंने तो आपको भृगुवंशी और आपकी जनेऊ देखकर जो कछु कहो सेहू रेसरो की। आपने जो भी मुझसे कहा मैंने आपकी जनेऊ और भृगुवंशी जानकर अपने क्रोध को रोक रखा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल में सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भक्त और गाय पर हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर कोई भी वीरता नहीं दिखाते। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, क्योंकि इन्हें मारने से हमें पाप मिलता है और अगर हम इनको उनसे हारते हैं तो अपकीर्ति प्राप्त होती है। मारतो पाप अरे तुम्हारे, अगर आप मुझे मारोगे तो भी मैं आपके पाँव ही पड़ूंगा। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, हे मुनिवर, कोटि अर्थात करोड़ों, कुलिस यानी वज्रों के समान आपके वचन है। व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ ही ये धनुष और बाण और ये फरसा धारण किया हुआ है। जो विलोकी अनुचित कहे क्षमा हूँ महामुनि धीर, मैंने आपको जो भी अनुचित किया है आप उसे ध्यान मत दीजिए और हे महामुनि, हे धैर्यवान, आप मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोश लक्ष्मण के वचन क्रोधपूर्वक सुनकर भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। भृगुवंशी महामुनि धीर गंभीर भाव में बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिलो कालबस निज कुल घालकु। लक्ष्मण के व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम को फिर क्रोध आया और वे विश्वामित्र से बोले, कौशिक अर्थात विश्वामित्र, कि हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है और यह काल के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंशी होकर चंद्रमा के समान कलंक लगाने वाला है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, यह निडर उद्दंड और मूर्ख बालक है। काल कवलु होई क्षण माही, यह एक पल में ही काल का ग्रास अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा या काल का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही दोषु, फिर बाद में आप मुझे दोष मत देना। तुम्हों हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप और बल और क्रोध के विषय में बताकर इसे अधिक बोलने से मना कीजिए। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को वरने पारा। परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण फिर परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हुए फिर से बोले, हे मुनिवर, आपके सुयश को आपके अलावा और कोई वर्णन नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम आपने करनी बार अनेक भांति बरनी, आपने अपने मुँह से अपने कार्य को और अपने गुणों को कई बार वर्णन कर दिया है। नाई संतोषुता
पुनी कछु कहो। अगर आपको संतोष नहीं मिला हो तो आप फिर से कुछ कहिए। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू। आप अपने क्रोध को रोककर इतना सह दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाओ शोभा। हे मुनिवर, आप वीरता को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्षोभ रहित है। आपको गाली देना अर्थात अपशब्द बोलना शोभा नहीं देता। सुर समर करनी करही कहीं न जना वही आपो। जो शूरवीर होते हैं वे अपने कार्य को युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। विद्वान रण पाई रिपु कायर कथही प्रतापो। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है या कायर ही कहलाता है।